नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला मंत्री राम अर्जुन यादव के आकस्मिक निधन पर तमसा प्रेस क्लब आजमगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पत्रकारों से हुई बातचीत में उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला मंत्री राम अर्जुन यादव के निधन हो जाने पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिन्होंने 20 वर्षों तक अपनी सेवा दी। इस शोक सभा में उनके साथ के सभी साथी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमला राय कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने, देखे इस रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवर। मेरा नाम इम्तियाज बेग है, मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का अध्यक्ष हूँ। आज श्रद्धांजलि सभा तमसा प्रेस क्लब में हो रही है, जिसमें हमारी पार्टी किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम अर्जुन यादव, जो जिला के मंत्री भी थे लगभग 20 साल से, और उन्हीं के शोक श्रद्धांजलि सभा में हम सब लोग उपस्थित हैं। मीटिंग की अध्यक्षता कमला राय जी कर रहे हैं। हमारे जिला मंत्री खरपत्तू राजभर भी मौजूद हैं, पूर्व जिला मंत्री रमज्ञा यादव मौजूद हैं, श्यामा प्रसाद शर्मा, उनके साथ काम करने वाले रामनेत यादव से लेकर रामचंद्र यादव तक और दूसरे तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं, जो उनके साथ करीब करीब 27-28 वर्षों से काम किए हैं। जैसे कमला राय हैं, मंगलदेव यादव हैं, श्यामा प्रसाद शर्मा हैं, रामनेत यादव हैं। इन लोगों ने लगभग 25 साल तक, दुर्वल्ली राम हैं, खेत मजदूर यूनियन के हैं, जियालाल हैं, इन लोगों ने काम किया और जेल आंदोलन से लेकर बाहर तक। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिस भाव से समर्पित होकर के कम्युनिस्ट पार्टी का किसान सभा का काम किया, इसके बावजूद कि अंबारी इंटर कॉलेज को प्रिंसिपल रहे, जिसके मैनेजर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व गवर्नर रामनरेश यादव हुआ करते थे, तब भी वो कभी भी कम्युनिस्ट आंदोलन को छोड़े नहीं और पढ़ाते ही भी थे उतनी लगन से। अगर कभी नहीं जाते थे तो वो बिल्कुल छुट्टी ले लेते थे कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा, मेरी छुट्टी अवकाश ले लिया जा। ऐसे व्यक्ति के प्रति आज हम श्रद्धांजलि सभा दे रहे हैं। ये एक तरह से अगर इतिहास लिखा जाए तो एक लंबा 15-20 पन्नों का इतिहास उनके लाइफ का हो जाएगा कि उन्होंने बच्चियों को पढ़ाने का, आज के दौर में बच्चियों को लोग आज कह रहे हैं, लेकिन रामजूर जी आज के 25 साल पहले अपनी लड़की को एमए कराए, एमएससी कराए, लड़की को बीएससी कराए, यहाँ तो कि एक लड़की को उन्होंने राजस्थान बीएड करने और बीएससी करने के लिए भेज दिया और हॉस्टल में रखा। कभी ये चिंता नहीं किए कि हमारी लड़की अकेले जा रही है। और आज उनकी दोनों लड़कियां, एक तो कस्तूरबा में है, एक जूनियर हाई स्कूल में है, लड़के सब हैं, और अपने घर में कभी वो छुआछूत नहीं मैंने देखा। वो लगातार तो ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धांजलि देना, ऐसे के प्रति रास्ते पर चलना, यही सबसे बड़ा आज का काम कार्य है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग, तमाम लोग पैदा हों समाज में, जो अपने को समाज बदलने का, उन्होंने कसम खाया था कि मैं समाज बदलूँगा, और समाज बदलते बदलते अपने ही चले गए। समाज तो बदल नहीं पाए, लेकिन फिर भी समाज उस रास्ते पर चलेगा, यह मेरा पूरा विश्वास और